आलिया भट्ट अपने जिंदगी के सबसे बड़े दिन पर शादी का जोड़ा पहनकर पहुंची। जिस जोड़े को पहनकर आलिया ने रणवीर कपूर के साथ सात फेरे लिए थे, उसी जोड़े को पहनकर आलिया ने राष्ट्रपति के हाथों से सम्मान लिया। आलिया को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को देश की बेस्ट एक्ट्रेस के नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। आलिया यहाँ अपने पति रणवीर कपूर के साथ आई हुई थी। आलिया जैसे ही कार से उतरी, लोगों ने पहचान लिया कि ये जोड़ा उनकी शादी का है। आलिया ने अपनी शादी में इसी साड़ी को पहना था और इसी साड़ी को पहनकर आलिया नेशनल अवार्ड लेने आई, जबकि रणवीर कपूर ने इस मौके पर काले रंग का कोट पहना हुआ था। आलिया की जिंदगी का ये बहुत बड़ा मौका था। राष्ट्रपति के हाथों से सबसे बड़ा एक्टिंग का सम्मान पाना बहुत गर्व की बात थी, इसलिए आलिया ने इस मौके पर वो कपड़े को पहना जो उनके दिल के सबसे करीब है। नॉर्मली एक्ट्रेस इतने बड़े दिन पर नई साड़ियाँ पहनती है क्योंकि उनके लुक्स की चर्चा हर तरफ होती है, लेकिन आलिया ने इस मौके पर शादी के जोड़े को चुना। स्टेज पर जैसे ही आलिया का नाम पुकारा गया, हर तरफ उनके लिए तालियां बजने लगी। आलिया मुस्कुराते हुए अवार्ड लेने पहुंची। राष्ट्रपति के हाथों से अवार्ड पाकर आलिया बहुत खुश थी, लेकिन आलिया से ज्यादा खुश उनके पति रणवीर कपूर के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। फिलहाल आलिया ने अपनी साड़ी से लोगों का दिल जीत लिया है। आप क्या कहेंगे इस पर? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें और ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।